बॉलीवुड की वो फिल्में कौन सी हैं जो हमेशा अमर रहेंगी। दोस्तों मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों रोल, साउंड, कैमरा, एक्शन, ये वर्ड आप बहुत बार सुनते होंगे क्योंकि इसी से हमारी फिल्मों की शुरुआत होती है, चाहे वो हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड। इन वर्ड का इस्तेमाल कर कुछ डायरेक्टर्स ऐसी ऐसी फिल्में बना देते हैं जिन्हें कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में भी बनती हैं इनके अंदर जिन्हें पूरी दुनिया याद रखती है। बॉलीवुड कहें या इंडीवुड, ये एक ऐसी सिनेमा यूनिवर्स है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस करती है, लगभग 2000 एक साल में। अगर बॉलीवुड और बाकी की फिल्म इंडस्ट्री को अलग करें, जैसे कि टॉलीवुड, कॉलीवुड, बॉलीवुड, सैंडलवुड, हॉलीवुड और चॉलीवुड, तो 46% आउट ऑफ 100 बॉलीवुड फिल्में प्रोड्यूस करती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ मिलाकर 36% और रेस्ट ऑफ 12% बाकी की इंडस्ट्री। बॉलीवुड को दुनिया की बिगेस्ट मूवी इंडस्ट्री मानी जाती है, चाहे अब वो एम्प्लॉयड को लेके हो, मतलब कि कितने लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, या फिर नंबर ऑफ फिल्म्स प्रोड्यूस को लेके हो। एक रिपोर्ट की माने तो 2014 में ओवर 3.5 बिलियन टिकट्स बिके थे पूरे वर्ल्ड में एक साल के अंदर, और 9 लाख टिकट बिके थे सिर्फ इंडिया के बॉलीवुड सिनेमा से, जो कि हॉलीवुड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था। बॉलीवुड के पास एक से बढ़कर एक डायरेक्टर्स हैं, और यूं कहें कि थे भी, चाहे वो यश चोपड़ा हो जिन्होंने दीवार, वीर जरा, डर, काला पत्थर, त्रिशूल, वक्त, कभी कभी, लम्हे, सिलसिला, इत्तेफाक जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में दी, संजय लीला भंसाली जिन्होंने ब्लैक, देवदास, खामोशी द म्यूजिकल, गुजारिश, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में दी, करण जौहर, माय नेम इज खान, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, इन फिल्मों को कोई नहीं भुला सकता। वहीं आदित्य चोपड़ा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रब ने बना दी जोड़ी, मोहब्बतें, ये बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर्स हैं और उनकी फिल्में हैं जो काफी फेमस हुई थी। हमारे बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी फिल्में बनी हैं जिन्हें कभी कोई भुला नहीं सकता, और ये सफर शुरू हुआ था 1939 से और अभी तक लाखों करोड़ों फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो सदियों तक लोगों को याद रहेंगी, जो अमर हो चुकी है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। पहली फिल्म का नाम लूंगा अक्टूबर 1995 में रिलीज हुई DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तुझे देखा तो ये जाना सनम, और मेरे ख्वाबों में जो आए, ये उस समय हर लड़की और हर लड़के की जुबान पे चढ़ा हुआ था जो भी 16 से 20 साल की उम्र में था। हालांकि मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था, और अगर हुआ होता तो उस लिस्ट में मैं भी शामिल होता। इस फिल्म के डायलॉग हम आज भी यूज करते हैं, और पलट 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 वाला डायलॉग तो सबको याद ही होगा, राज अगर ये तुझसे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी, पलट पलट पलट। या फिर इस फिल्म का दूसरा डायलॉग, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। आई नो इट्स वेरी बैड, लेकिन इस फिल्म ने नए युद्ध को कई सारे मैसेजेस दिए कि सपने देखो, जरूर देखो, बस उनके पूरे होने की शर्त मत रखो। फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था सभी जानते हैं, आदित्य चोपड़ा ने। कास्ट में थे द किंग खान और काजोल। इस फिल्म के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक किसी के पास नहीं, वो है सबसे ज्यादा सिनेमा घरों में चलने वाला इनोसेंस और प्योर लव स्टोरी। इसके बाद आती है 2001 में आई फिल्म गदर, कोई नहीं भूल सकता। फिल्म में लीड में थे सनी देओल, और उनका उस फिल्म में डायलॉग ओए होए होए, पूछो ही मत। कुछ डायलॉग्स पे नजर डाल ही लेते हैं तो, अशरफ अली आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। अगला डायलॉग था, अगर मैं अपनी बीवी बच्चे के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सबके सर काट भी सकता हूँ। ये कुछ हार्ड हिटिंग डायलॉग्स थे, ऐसे डायलॉग्स और भी हैं पूरे फिल्म में। फिल्म ने कलेक्शन किया था लगभग 80 करोड़ का। इस फिल्म की कहानी के साथ साथ इस फिल्म के गाने और सनी पाजी का उखाड़ा हुआ हैंडपंप भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अगला नाम है मदर इंडिया। फिल्म आई थी 1957 में। फिल्म को लिखा था महबूब खान ने, डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया था महबूब खान ने। फिल्म में लीड में थे नरगिस, सुनील दत्त और राजकुमार। ये एक्टर तो सबको याद होगा, और कोई हो ना हो, इनकी हर कोई नकल करता था, मिमिक्री करता था, जाने हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, पर बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी और वो वक्त भी हमारा होगा। फिल्म सौदागर। इनके रूल्स काफी अलग थे, जहां आज की जनरेशन कैमरे को पूछती है, लेकिन
इनका था कि कैमरा पहले इनके चरणों में आके गिरे और उसके बाद ये कोई शॉट देंगे। आपने अगर नोटिस भी किया होगा तो इनकी एंट्री में पहले इनके जूते दिखाई देते थे, उसके बाद कुछ अलग आता था। इस फिल्म की कहानी एक गांव में गरीबी से लड़ रही राधा की कहानी है, जो अपने बच्चों को पालने पोषने के लिए बहुत मेहनत करती है और फिल्म के एंड में वो खुद ही अपने बच्चों को मार देती है। फिल्म सुपर डुपर थी। इस फिल्म ने उस समय 80 मिलियन का कलेक्शन किया था। 80 मिलियन बोले तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है। अब आगे खुद ही हिसाब लगा लो। 1976 की वो फिल्म जिसमें बसंती और धन्नो एक्टर से भी ज्यादा लाइमलाइट में रहे, मैं बात कर रहा हूँ शोले की, जिसे डायरेक्ट किया था रमेश शिल्पी ने, जिसे लिखा था सलीम जावेद। ये जोड़ी कमाल की जोड़ी थी। एक कहानी सोचता था तो दूसरा उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन शब्दों में पिरोता था और दुनिया को देता था। इस फिल्म के कैरेक्टर जय वीरू गब्बर या उनके डायलॉग्स कितने आदमी थे, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर अब तेरा क्या होगा कालिया। इसके साथ ही और भी ना जाने कितने हार्ड हिटिंग डायलॉग्स थे इस फिल्म के। कास्ट को देखे तो धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और जया बच्चन। अगला नाम द वन एंड ओनली जब प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम 1960, डायरेक्टेड बाई के आशिफ। लगभग 3 घंटे की ये फिल्म थी और अपने आप में ही एक ऐतिहासिक। इस फिल्म को इसके गाने, डायलॉग्स और सेट्स के लिए आज भी जाना जाता है। अगर कुछ डायलॉग्स की बात करें तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और अनारकली हम तुझे जीने नहीं देंगे। एक और डायलॉग है जो हर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अपने पिता से कहना चाहता है कि मेरा दिल आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। अगली फिल्म है धर्मवीर 1977, डायरेक्टेड बाय मनमोहन देसाई। फिल्म में लीड में थे धर्मेंद्र और जितेंद्र। अगली फिल्म है क्रांति। फिल्म को लिखा सलीम जावेद, डायरेक्टेड और प्रोड्यूस बाई मनोज कुमार। इस फिल्म में लीड में थे दिलीप कुमार और इन्हें एक प्यार करने वाला यानी कि आशिक और शराबी कभी नहीं भूल सकता। इनका एक बहुत फेमस डायलॉग भी है, कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूँ कि सांसें ले सकूं। या फिर उनका एक और डायलॉग है कि तकदीर बदल जाती है, जमाना बदल जाता है, शहंशाहें बदल जाते हैं, मगर इस बदलती दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का हाथ थाम ले वो इंसान नहीं बदलता है। क्रांति फिल्म को अब तक की सबसे अच्छी और देशभक्ति फिल्म कही जाती है। दोस्तों अगर आप किसी फिल्म के बारे में जानकारी चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है आपको फिल्म से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज।